नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार टॉम क्रूज के बारे में। वैसे तो टॉम क्रूज की सारी मूवी पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, लेकिन उनके प्रशंसक उन्हें एक्शन अवतार में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। टॉम क्रूज ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह की मूवी में काम किया है, तो आज मैं टॉम क्रूज की ऐसी 10 मूवीज के बारे में बात करूंगा जो हिंदी में डब है। तो चलिए देखते हैं। मिशन इम्पॉसिबल ये एक एक्शन स्पाई मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था बैरियन डी पल्मा ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज, जॉन वॉगट, विंग रेम्स एवं वनेसा रेड ग्रेव थी। इस मूवी में टॉम क्रूज पहली बार इथन हंट नाम के एक स्पाई एजेंट का रोल प्ले करते नजर आए थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी की। एक मिशन के दौरान इथन हंट को एक साजिश के जरिए फंसा दिया जाता है, जिसके कारण इथन हंट अपनी ही एजेंसी के नजरों में गद्दार बन जाता है। इथन हंट कैसे असली गद्दार को पकड़ता और कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करता, यह इस मूवी की स्टोरी है। चूंकि मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज अपने खतरनाक एक्शन के लिए जानी जाती, तो इस मूवी में भी आपको खतरनाक एक्शन देखने को मिलेंगे। इस मूवी में आपको सस्पेंस भी भर भर के देखने को मिलेगा। इस मूवी की स्टोरी बेहद ही शानदार है, आपको पसंद आएगी। वनीला स्काई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था कैमरन क्रो ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज, पेनेलोपी क्रूज एवं कैमरन डाइज नजर आई थी। इस मूवी की कहानी एक ऐसे अमीर बाप के बेटे की है जो अपना सारा पैसा अयाशी में बर्बाद करता है और वह अपना हर रात एक अलग लड़की के साथ बिताता है, लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसी घटना घटती है जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर देती है। इस मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी में आपको कुछ अलग तरह का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इसमें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी को भी दिखाया गया है जो इस मूवी को एक अलग दिशा में लेके जाती है। ये एक अच्छी मूवी है, आपको पसंद आएगी। नाइट एंड डे ये साल 2010 में आई एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था जेम्स मैन गोल्ड ने। इस मूवी के लीड रोल में नजर आए थे टॉम क्रूज एवं कैमरन डाइज। टॉम क्रूज इस मूवी में रॉय मिलर नाम की एक CIA एजेंट का रोल प्ले करते नजर आए थे। अगर बात करें इस मूवी के स्टोरी की, तो पूरी मूवी एक लड़का एवं एक बैटरी के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ लोग एक बैटरी को चुराना चाहते हैं क्योंकि उस बैटरी से बहुत सारा बिजली प्राप्त किया जा सकता था, और बैटरी चुराने वाले लोग बैटरी बनाने वाले लड़के को भी मारना चाहते थे। रॉय मिलर इन दोनों की सुरक्षा करता है ताकि इन दोनों को किसी का नुकसान ना पहुंचे। कुल मिलाकर यह इस मूवी की स्टोरी है। इस मूवी का कॉमेडी भी आपको पसंद आएगा। इस मूवी में आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, वो भी फनी वे में। अगर आप कोई एक्शन कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मिस ना करें, ये एक सुपर्ब मूवी है। मिशन इम्पॉसिबल 2 ये साल 2000 में आई एक एक्शन स्पाई मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था जॉन वू ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज, डॉग्रे स्कॉट, थैंडी न्यूटन एवं विंग रेम्स नजर आए थे। ये मिशन इम्पॉसिबल का दूसरा पार्ट था। इस मूवी में अभी टॉम क्रूज अपने पुराने अवतार इथन हंट का रोल प्ले करते नजर आए थे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इथन हंट एक स्पाई एजेंट है जो IMF के लिए काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी की। एक साइंटिस्ट एक बीमारी फैलाने वाला दवा बनाता है और उसके साथ ही उस बीमारी को दूर करने वाला भी दवा बनाता है, लेकिन इस काम के लिए उस साइंटिस्ट को फोर्स किया जाता है। दरअसल जो कंपनी उस साइंटिस्ट को इस तरह की दवा बनाने के लिए फोर्स करती है, वो पहले इस बीमारी को लोगों में फैलाना चाहती है और फिर इस बीमारी का दवा महंगे दामों में बेचकर बहुत सारा पैसे कमाना चाहती है। ये बीमारी लोगों में ना फैले इसलिए इस दवा को नष्ट करने के काम में इथन हंट को लगाया जाता है, यह इस मूवी की स्टोरी है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही शानदार है। अगर आप कोई अच्छी स्टोरी एवं एक्शन से भरी हुई मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मिस ना करें। मिशन इम्पॉसिबल 3 ये साल 2006 में आई एक एक्शन स्पाई मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था JJ Abrams ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज, विंग रेम्स एवं मिशेल मोनाघन थी। ये मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज का तीसरा पार्ट था। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी की। इथन हंट को एक मिशन के दौरान पता चलता है कि कोई IMF का आदमी हथियारों के सौदागर से मिला हुआ है। वो हथियारों का सौदागर इथन हंट की वाइफ जूलिया को किडनैप कर लेता है और इथन हंट को एक खतरनाक हथियार चुरा कर लाने के लिए मजबूर करता है। इथन हंट कैसे अपनी वाइफ को बचाता है और वो गद्दार कौन है जो हथियारों के सौदागर से मिला हुआ, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। चूंकि मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज अपनी तबाड़तोड़ एक्शन के लिए जानी जाती, तो इस मूवी में भी आपको एक्शन का तहलका देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही खतरनाक मूवी है, इसे एक बार जरूर देखें।
ओब्लिवियन ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था जोसेफ कोसिंस्की ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज, मॉर्गन फ्रीमैन एवं ओल्गा क्यूरिलेनको नजर आई थी। दरअसल इस मूवी की कहानी फ्यूचर की है जहां एलियन के हमले के कारण पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो गई है। एलियन और इंसानों के इस भयंकर युद्ध में जीत तो आखिरकार इंसानों की ही होती है, लेकिन हथियारों एवं न्यूक्लियर बमों के इस्तेमाल से पृथ्वी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है और पृथ्वी के पूरे वातावरण में रेडिएशन फैल जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इन सब के बावजूद इंसान कैसे अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखता है, यह इस मूवी की स्टोरी है। ये एक सुपर मूवी है, आपको पसंद आएगी। जैक रीचर ये एक एक्शन मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर मक्क्यूरी ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज एवं रोजामंड पाइक नजर आई थी। टॉम क्रूज इस मूवी में जैक रीचर नाम के एक एक्स आर्मी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल प्ले करते नजर आए थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी की। एक आदमी को कुछ लोगों के मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। जैक रीचर कैसे इस मर्डर केस को सॉल्व करता है और कैसे असली मुजरिम तक पहुंचता है, यह इस मूवी की स्टोरी है। इस मूवी की स्टोरी बेहद ही शानदार है, आपको पसंद आएगी। माइनॉरिटी रिपोर्ट ये साल 2002 में आई एक साइंस फिक्शन मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज एवं कॉलिन फेरल थे। इस मूवी की कहानी फ्यूचर की है जहां पुलिस बहुत ही स्मार्ट हो गई है। इस समय पुलिस क्राइम होने से पहले ही क्राइम का पता लगा लेती है और उस क्राइम को होने से रोक देती है। टॉम क्रूज ने इस मूवी में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था। इस मूवी में आपको बहुत सारा ट्विस्ट एवं सस्पेंस देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो वो बहुत शानदार तरीके से लिखी गई है। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप साइंस फिक्शन मूवी के दीवाने हैं तो इस मूवी को मिस ना करें। इस मूवी में दिखाया गया कंसेप्ट बेहद ही अलग और शानदार है। मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट ये साल 2018 में आई एक एक्शन स्पाई मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर मक्क्यूरी ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज, हेनरी केविल, विंग रैम, सिमन पेग एवं रेबेका फर्गुसन थी। ये मिशन इम्पॉसिबल मूवी सीरीज की छठी मूवी थी। टॉम क्रूज इसमें भी इथन हंट का रोल प्ले करते नजर आए थे, जबकि हेनरी केविल ने इस मूवी में एक CIA ऑफिसर का रोल प्ले किया था। इस मूवी की कहानी डबल एजेंट के खोज पर बेस्ड है। IMF में किसी गद्दार के होने की वजह से सरकार की सारी मिशन फेल हो जाती है। जब इसकी जाँच की जाती है तो पता चलता है कि एजेंसी में ही कोई गद्दार है, तो वो गद्दार कौन है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी की स्टोरी एवं एक्शन दोनों ही शानदार हैं। अगर आप कोई तबाड़तोड़ एक्शन वाली मूवी देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मिस ना करें। एज ऑफ टुमारो ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था डग लाइमन ने। इस मूवी के लीड रोल में टॉम क्रूज एवं एमिली ब्लंट थीं। इस मूवी की कहानी फ्यूचर की है जहां एलियन धरती पर आक्रमण कर देते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना कब्जा करने लगते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश भी मिलकर इनके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन इन एलियन को हरा नहीं पाते हैं। टॉम क्रूज ने इस मूवी में जनरल विलियम केज का रोल प्ले किया था। टॉम क्रूज यानी कि विलियम केज के पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसकी मदद से वह एक ही दिन को कई बार जी सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसके पास फ्यूचर देखने की शक्ति आ जाती है और इसी शक्ति की सहायता से विलियम केज एलियन को हरा पाता है, यह इस मूवी की स्टोरी है। इस मूवी में आपको कुछ शानदार एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी पसंद आती है तो इस मूवी को मिस ना करें, क्योंकि यह एक सुपर मूवी है। इसी तरह के टॉप 10 एक्शन, रोमांस एवं साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।